ओडिशारे दुई केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज जहाँ कार्यक्रम रही वर्तमान से रही श्रद्धांजलि दि जा श्रद्धासुमन अर्पण करुछंती सत्यवादी बकुल वन विद्यालय अंचल रही जहाँ सूचना रही कि आज अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रही केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अश्विनी वैष्णव सहित रही राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रही राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती रही सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रही जहाँ रही कि दुई केन्द्रमंत्री बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा अवसर विभिन्न जिला बुलिबे लोकों को केन्द्र सरकार विभिन्न जनकल्याण कार्यक्रम संपर्क में अवगत कराइबे दुई केन्द्रमंत्री अभियान बीजेपी आसंता पौर एवं पंचायत भोट पाई वातावरण सृष्टि कर राजनैतिक महल अनुमान तेरे वर्तमान जब देखा बीजेपी पक्षर समग्र देश में दल आरंभ कर जन आशीर्वाद यात्रा नुआ दायित्व नहीं समस्त केन्द्रमंत्री देशर 212 संसदीय क्षेत्र को जा जन आशीर्वाद लोड़े ये जन आशीर्वाद यात्रा 142 दिन जाए चलो ये जत्रापी ओडिशा गस्तर आई केन्द्रमंत्री बीजेपी सूचना अनुसार जहाँ कार्यक्रम रही 9:00 से पहुँची थे भुवनेश्वर विमानबंदर और सीधा सड़क से पुरी गस्त करेंगे और पुरी गस्त करने समय अनेक जगह जो रही आपड़ जमी कहतु एयरपोर्ट पर कल्पना हो बाइक रैली भी करा कर रविटकी छक सहित मत गोटे प्रकार संवर्धना जाता रविटकी छक लिंगीपुर उत्तरा छक पिपिली सातशंख एवं बर्तमान जहाँ रही सत्यवादी अंचल रही व्यापक संवर्धना दि जाता एवं सेठार जहाँ कार्यक्रम रही चंदनपुर आसवे से मत संवर्धना कार्यक्रम रही अठनाला एक बाइक रैली कार्यक्रम रही मंदिर दर्शन करें मध्यान एवं एक वृक्षरोपण कार्यक्रम रही पूरी सर्किट हाउस रे सेठारु तापरे पहुँचे बीजेपी कार्यालय को एक सांबादिक सम्मेलन होबार कार्यक्रम रही दिल्ली फेरी जबार जहाँ कार्यक्रम रही तेणु मोटामोटी जी आम देखा जहाँ आसंता काल कथा जी कह रायगड़ा जबार कार्यक्रम रही रायगड़ा रे पहुँचे तापर से अनेक कार्यक्रम भी रही कि आज जी देखा से बर्तमान बुलिबे ट्रेन में बुलिबे दिल्ली तो फेरबे नहीं संगे संगे कारण ये जो आशीर्वाद यात्रा रही जोग दे लोकों पाखे केन्द्र सरकार समस्त जनकल्याणकारी कार्यक्रम संपर्क से अवगत करेंगे कटक भुवनेश्वर खोर्धा बुलिबे मोदी सरकार सफलता भी कहे ट्रेन में दक्षिण ओडिशा भी जिबे पश्चिम ओडिशा भी जिबे सेठी ट्रेन रेलमंत्री जिबे एवं सेठी मध्ये लोकों को केन्द्र सरकार समस्त जन कल्याणकारी योजना संपर्क में कहे जहाँ कार्यक्रम रही कि पुरी रू फेर केन्द्रमंत्री श्री वैष्णव संध्यारे हीराखंड एक्सप्रेस रे रायगड़ा गस्त करेंगे कोरापुट गस्त कर रात्रि जापन करेंगे 21 तारीख में जयपुर नवरंगपुर गस्त कर से भवानीपाटना रात्रि जापन करेंगे 22 रेलमंत्री श्री वैष्णव केसींगा टीटलागड़ कंटाभांजी पटनागड़ से बलांगीर पहुँचे 22 संध्यारे से बलांगीर भुवनेश्वर फेरी आसी परदिन सका नुआदिल्ली जहाँ प्रत्यावर्तन करेंगे तेणु ये जो जन आशीर्वाद यात्रा रही अवसर केन्द्रमंत्री श्री वैष्णव 7 जिला 6 लोकसभा अंचल 115 स्थान में संवर्धना सभा और कार्यक्रम में जोगदेवे जदि ता पूर्व आम देखा केन्द्रमंत्री श्री प्रधान भुवनेश्वर खोर्धा कटक जिलार विभिन्न स्थान गस्त करेंगे केन्द्र मोदी सरकार सफलता को से लोकों आगे रखिए दुई मंत्री गस्त और जिला भ्रमण को नहीं दलय कर्मकर्ता बेस उत्साहित रही जन आशीर्वाद यात्रा जरिया बीजेपी संगठन को बलुआ करने सहित बीजेपी सपक्ष में जनमत या दल जहाँ आकलन करेतु आगक पौर एवं पंचायत भोट आसुच्छी तेणु केन्द्रमंत्री गस्त बे गुरुत्व बहन कर पंचसखा को श्रद्धांजलि दुई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं श्री अश्विनी वैष्णव एवं कार्यक्रम जहाँ रही कि से कटक भुवनेश्वर खोर्धा बुलिबे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अन्यपटे दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा बुलिबे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आगक आसुच्छे पौर एवं पंचायत निर्वाचन ये निर्वाचन पूर्वर ये जन आशीर्वाद यात्रा जरिया लोकों पाखे पहुँचे केन्द्रमंत्री दुई केन्द्रमंत्री लोकं केन्द्र सरकार खासकर
मोदी सरकार जिते जनकल्याणकारी कार्यक्रम रही से संपर्क में लोक अवगत कराइबे और जनमत सृष्टि आकलन कर दल अंपटे जी आम देखा श्री वैष्णव सतट जिलार छटी लोकसभा अंचल 115 स्थान संवर्धना सभा और कार्यक्रम आयोजन रही सेपटे कि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर खोर्धा और कटक जिलार विभिन्न अंचल गस्त करेंगे केन्द्र सरकार सफलता को लोकों आगे रखिए तेज दुई केन्द्रमंत्री ये गस्त को नहीं दलय कार्यकर्ता भितर बेस उत्साह आग्रह देखाई और आज जहाँ कार्यक्रम रही जिते विमान बंदर पहुँचले भुवनेश्वर विमान बंदर पहुँचले व्यापक संवर्धना दि जाता स्वागत करणा जाता कल्पना छक एक बैक रैलीर भी कार्यक्रम रही तापर लिंगीपुर आसवा समय से दि जाता संवर्धना तापर उत्तरा छक संवर्धना और पर पिपिली तापर जहाँ कार्यक्रम रही किसान मोर्चा पक्ष बलंगेर में एक संवर्धना कार्यक्रम जहाँ कार्यक्रम रही सातशंख सातशंखर से जी चंदनपुर से संवर्धना कार्यक्रम रही अठनल एक बैक रैली भी कार्यक्रम रही महाप्रभु दर्शन भी कार्यक्रम रही लंच रहा कार्यक्रम रही अर्थात मध्यान भोजन और वृक्षरोपण कार्यक्रम रही पूरी सर्किट हाउस कि नुआ दायित्व पूर्व केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी रही पेट्रोलियम विभाग दायित्व थोड़ा प्रथम थर पर शिक्षा विभाग दि जाएगी केन्द्र मंत्रिमंडल संप्रसारण पर रेलमंत्री भाव दायित्व नहीं अश्विनी वैष्णव तेणु जहाँ रही केन्द्र सरकार जो मानने उद्देश्य रही कि जो जन आशीर्वाद यात्रा जहाँकि बर्तमान 212 संसदीय क्षेत्र को जो मैंने नुआक दायित्व नहीं मंत्री भाव दायित्व नहीं बुलेबे और लोकों पाखे पहुँचे लोकों पाखे केन्द्र सरकार सफलता मानने योजना जो रही लोकों पर जनहितकर योजना से संपर्क में कहे यात्रा 142 दिन जाए चल तेणु ओडिशा गस्तरी जो आसुचंती दुई केन्द्रमंत्री आशा करा कि आ द्वारा बीजेपी रो जो संगठन रही तृणमूल स्तर दृढ़ हेबो लोकों पाखरे केन्द्र सरकार योजना संपर्क में खबर रहा अवगत हे सहित पौर एवं पंचायत भोट पर एक प्रकार वातावरण सृष्टि हेब पंचशखा द्वारा प्रतिष्ठित बकुवन विद्यालय शिक्षा सहित दक्षता विकास एंदुड़ीशाला जहाँ इतिहास कहे जहाँ किमंदी कहे उत्कलमणि गोपबंधु दास त्यागपूत जीवनादर्श से अनुप्राणित हो 1911 पंडित नीलकंठ दास 1912 आचार्य हरिहर 1913 पंडित गोदावरीश मिश्र और 1914 पंडित कृपासिंधु मिश्र बिना वेतन वन विद्यालय शिक्षक भाव योगदान करते से छात्र छात्री शिक्षा सहित दक्षता विकास परिकल्पना करते सत्यवादी बकुवन विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में एक आदर्श पीठ भाव प्रसिद्धि लाभ कर प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित कर प्रयास आरंभ होता वन विद्यालय शिक्षार लक्ष्य था छात्र मनरे जातीय चेतना जागृत करिबा एवं भविष्य में सेमानकु कुशली माध्यम रे स्वावलंबी करिबा तेणु एठारे पाठपढ़ा सहित छात्र मानकु कृषि बगीचा कम बढ़ई कम कुटीर शिल्प आदि वैषयिक शिक्षा प्रदान करा जाउथिला मूर्ति तैयारी करी पिलांकु मूर्ति कारीगरी शिखा जाउथिला संगीत सहित नाटक शिक्षा दि जाउथिला ए जातिप्रेमी महामनीषी माने उत्कलमणि आदर्श से अनुप्राणित हो बड़ चाकरी और बड़ रोजगार मोह परित्याग कर स्वल्प वेतन रे ए मनीष तैयारी कारखाना रे जोग देथिले धर्मेन्द्र प्रधान भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय सहित दक्षता विकास मंत्रालय मंत्री दायित्व रही तेणु केन्द्रमंत्री ये गस्त बेस गुरुत्व बहन कर कैमरा मैंने खोजी खोजी पाऊनी।
କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବକୁଳବନ ଗସ୍ତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗସ୍ତ କରି ବଂଶସଖାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୋତ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 1911 ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, 1912 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, 1913 ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର, 1914 ପଣ୍ଡିତ କୃପାସନ୍ଦ ମିଶ୍ର ବିନା ବେତନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୀଠ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗୃତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୃଷି, ବଗିଚା କାମ, ବଢ଼େଇ କାମ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଦି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନାଟକର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପୁସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୁବକର ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବଢ଼େଇ କାମ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଯାଜପୁର ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣା। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରକ୍ଷା କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ପ୍ରବୀଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପରିଛା 1916 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତିପ୍ରେମୀ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଚାକିରି ଏବଂ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଏହି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।